काशी में मोदी और योगी के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई जगह पोस्टर लगाए हैं। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी और ढोंगी तक बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्टर को पोस्ट किया है। पोस्टर खुद लगाने का दावा करने वाले अरुण ने चैलेंज किया है कि अब देखना है कि योगी सरकार कहां कहां एफआईआर करवाती है। अरुण पाठक ने इससे पहले 1 और 2 जुलाई को गाजीपुर और बलिया जिले के अलावा वाराणसी के केंट रेलवे स्टेशन के समीप विवादित पोस्टर लगाए थे। उनके खिलाफ सीगरा थाने में पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया था। अरुण पाठक ने इस बार लंका और भेलपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह सोमवार को देर रात विवादित पोस्टर लगाए। इसके साथ ही अपने फेसबुक वॉल पर पोस्टरों के वीडियो के साथ लिखा है कि मेरे लोगों ने कैंट स्टेशन के समीप पोस्टर लगाया तो सीकरा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। अब लोकतंत्र में अपनी बात रखने पर एफआईआर होगा तो लीजिए लंका, बीएचयू गेट, रथ यात्रा और 80 घाट सहित कई दूसरी जगहों पर पोस्टर लगवा दिया हूँ। अब देखना है कि लोकतंत्र की हत्यारी योगी सरकार कहां कहां एफआईआर दर्ज कराती है। पीएम मोदी और सीएम योगी को हिंदू विरोधी बताकर उनके खिलाफ शहर भर में पोस्टर लगाने वाला हिंदूवादी नेता अरुण पाठक अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया तो उसकी तलाश में 3 थानों की पुलिस वाराणसी से लेकर बिहार तक दाबिश दे रही है। इसी के साथ अरुण पाठक के घर पर भी छापा मारा गया, जिसके बाद अरुण पाठक का कहना है कि योगी को मैंने ढोंगी कहा तो पुलिस को इतना बुरा लग गया कि रात 1:30 बजे घर में घुसकर बेटी का मोबाइल उठा ले गए। विश्व हिंदू सेना अध्यक्ष अरुण पाठक ने बुधवार सुबह एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, योगी जी मैंने ढोंगी कहा तो आपको इतना बुरा लग गया कि रात 1:30 बजे आपकी पुलिस मेरे घर में घुस जाती है, जैसे कि वो किसी हिंदूवादी का घर न होकर आतंकवादी का हो। पुलिस घर में सुरक्षा के लिए लगाया गया कैमरा, डीवीआर और मेरी बेटी का मोबाइल भी ले गई। मेरे बड़ी भाई को भी उठाकर ले गई, जिनकी किडनी खराब है। साथ ही अरुण पाठक का कहना है कि इतना त्याग करने वाले हिंदूवादी के साथ आतंकवादी वाला व्यवहार किया जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने को हर लोग स्वतंत्र है। क्या आप मेरे परिवार की हत्या करवाना चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।